जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा, और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसको 100 बाय 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। सर लैंडिंग में कितनी मुश्किल हो सकती है, और यदि 23 तारीख को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा सर? तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहां से, जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है, वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उतरण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को।